मात्र 6 साल के बच्चे ने रच दिया है इतिहास। 195 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम मात्र 14 मिनट में बताने वाले नए लूनिया का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि नाला सुपारा पश्चिम के सेलेटियर 2 इमारत में रहने वाले इस जीनियस बच्चे नयन लूनिया की उम्र 14 फरवरी को 6 साल हो गई है। उसने वैलेंटाइन डे के दिवस पर अपने 6 वर्ष का केक काटकर खुशियां मनाई। इनकी जीवा पर माँ सरस्वती स्वयं विराजमान करती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नयन लूनिया ने उस समय कुछ ऐसा किया जिसके बाद अब वह चर्चा में बन गया है। महज 5 साल 11 महीने 7 दिन की उम्र में ही उसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। नयन लूनिया कितने साल के बने हैं आप? 5। आप कैसे बोल लेते हो इतने देशों के राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम इजीली कैसे आपको याद हो गया है? किसने याद कराया आपको? मम्मी। आपको मम्मी पढ़ाती, याद हो जाता है पूरा? ठीक है, हम शुरू करते हैं, देखते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आप कैसे फटाफट सबका नाम बता देते हो। चलिए शुरू करते हैं, इंडिया से शुरू करते हैं। ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र दास मोदी जी। प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। और क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एरिक प्लांटोविट। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटली फेडरसन। फिनलैंड के? सना मरीन। नॉर्वे के? एना सोलबर्ग। बेलीज के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पैलेस बेलीज। बेलीज डीन अल्वेडो। कनाडा के? जस्टिन ट्रूडो। जापान के? योशिदा हायसुडा। चाइना के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली टुटियान। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया स्टार मॉरिसन। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कंबोडिया उनसेन। कैमरून के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कैमरून जोसेफ कैमरून फिलोमान यान। और यूनाइटेड किंगडम के? बॉरिस जॉनसन। एंडोरा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? चिलिस पाजमोरा। यमेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यमेन मियादमन स्टेट। न्यूजीलैंड के? डेसी डेटन। और ब्रुनेई के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ब्रुनेई हैंसन बल्साया। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? चार्ल्स माइटल। नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नॉर्थ टेन जॉनी है। एंटीगुआ एंड बरबुडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डेस्टन ब्रॉनी। बुल्गेरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस बोरिसोव। टर्की के प्राइम मिनिस्टर कौन है? रिसेप तय्यिप एर्दोगन। ईरान हसन रूहानी। इराक मुस्तफा अल-थानी में। आर्मेनिया नितो पाशिनयान। नामीबिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नामीबिया सारतु दंडेला। सिंगापुर ली सेन लून। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेरी वाटर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेयर ऑफ मलेशिया था मार्टी बिन मोहम्मद। फिजी मार्टी बिन मोहम्मद नहीं है। फिजी सेल सफरिटी। एस्टोनिया जूरी डटर। सऊदी अरेबिया शाह सलमान। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबाल खालिद। जॉर्डन ओमान रजार। एंगोला के प्रेसिडेंट कौन है? डोरांटो। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? अर्जेंटीना प्रेसिडेंट फर्नांडेस। ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट कौन है? सेबास्टियन टर्स। अजरबैजान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अली सदोफ। बहरीन खलीफा बिन सलमान। बारबाडोस म्यांमार मॉटले। बोट्सवाना मवेशी मैसेसी। बुरुंडी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एवरेस्ट देश में। केप वर्दे हेरिस टोलरिया सिल्वा। चिली के प्रेसिडेंट कौन है? सेबास्टियन टर्स। चैड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? चैड इडिस अबी।
कैमरॉस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारा मारी। कांगो? सिल्वेस्टर लुंडा। कोस्टारिका के प्रेसिडेंट कौन है? कोस्टारिका कार्लोस अल्वारादो ट्रिजेडा। आइवरी कोस्ट? हमारा टॉन टोइबले। क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्यूबा सेबेस्टियन पिनेडा। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजापक्षा। भूटान? डॉक्टर लॉटो टिस्टन। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नुएन स्वेन फू। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। जर्मनी के प्रेसिडेंट? जर्मनी एंजेला डोरटी मर्कल। इजिप्ट? मुस्तफा मारबोले। फ्रांस? एडोल्फ फिलिप। साइरिया? इमाद थामिस। साउथ ओमेन प्रिंसिपी? ओरिबांजिदस। लाओस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? थानलान सिसलेट। ताइवान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? चैन वैन। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जिलेपे टांटे। अल्बानिया? इडिलामा। रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? व्लादिमीर मिशुलटिन। वेटिकन सिटी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो पोरोनिन। ब्राजील? जैर बोल्सोनारो। नेपाल? नेदरलैंड्स? मार्क रूट। मेरा नाम मुकेश लुनिया है। मुकेश जी, आपका बच्चा इतना जीनियस है, अभी इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, ये जब छोटा था तभी इसका मेमोरी शार्प थी, इसमें जब ये 1.5 साल या 2 साल का था तब इसने पूरे कंट्री का फ्लैग्स का रिकॉग्नाइज कर लिया था, तो उस वक्त हमने को लग रहा था कि इसकी मेमोरी शार्प है। उसके बाद इसको धीरे 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 अपन ट्रेन कर रहे थे, तो अभी इसका एरिया ऑफ नॉलेज में जैसे सभी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो गया, फ्लैग्स हो गया, उसके बाद में एनिमल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, करेंसी हो गया और लैंग्वेज हो गया, फिर उसके अंदर में जैसे इंडिया का सेलिब्रिटी और हुआ, इंडिया का बेसिक नॉलेज है जीके के बारे में, जैसे रिवर्स है और इंडिया ये पूरा वर्ल्ड मैप विथ लोकेटेड इन कंट्री, कौन सी कंट्री किसके टच में है, किसके बॉर्डर शेयरिंग करती है, वो चीज इसके नॉलेज में अभी है। आप इसको कैसे इतना जो मेमोरी में फिट कराए, कैसे याद कराए, एकदम कैच कर लेता है? ये अब अपने को जो चीज याद कराना वो एक बार याद कराए फिर अपन तो भूल जाते हैं उस चीज को, बट ये भूलता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आप पैसे से क्या करते हैं, आपके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पैसे बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है और यहाँ बॉम्बे में सप्लाई है। आपकी एजुकेशन के बारे में? मेरा एजुकेशन MBA है। और बच्चे को अभी किस स्कूल में दाखिला दिलाया है? अभी तो फ्यूचर में, अभी पहले GKG में था, अभी उसका फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल में कराना है। लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन ही चल रहा है? ऑनलाइन ही चल रहा है, तो अभी तो कोई स्कूल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी जब शुरुआत है इसकी, आगे चल के बोलते हैं ना पुत के पैर जो है पालने में ही बड़े लगते हैं, सही है, तो शुरुआत है इसकी, क्या चाहते हैं इसको, किस मुकाम पे पहुंचना है? देखो मुकाम तो अब आगे ये डिसाइड करेगा क्या है, क्या बनना है आपको बताओ अंकल को, क्या बनना है आपको? साइंटिस्ट बनना है। तो आगे बच्चे पे डिपेंड करता है कि किस रेडियो में आपको ग्रोथ लेता है। प्रियंका लुनिया। प्रियंका जी, क्या करती हैं आप? बेसिकली हाउस वाइफ हैं या कोई जॉब वगैरह करती हैं? अभी तो पूरा हाउस वाइफ हूँ जी। आपका बच्चा इतना जीनियस है, कुछ भी उसको बताते हैं फटाफट तो याद कर लेता है। इस हिसाब से तो सारे बच्चे ही स्मार्ट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बस अपने को उनको रास्ता दिखाना पड़ता है, और सारे बच्चे का माइंड एकदम शार्प होता है, ऐसा नहीं है कि खाली इसी का है, सब बच्चे शार्प होते हैं, सबका माइंड अच्छा होता है, बस अपने को माँ बाप होते हैं जो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उनको चलना उनका काम है। 14 मिनट के अंदर एक रिकॉर्ड इसने कायम किया है, 195 कंट्रियों का नाम बता करके इसने अपना नाम दर्ज कराया है, कैसी खुशी महसूस हुई? बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ इतना ज़्यादा, और बहुत अच्छा लग रहा है, और सच पूछे तो इतना हिम्मत मिला है कि हम लोग आगे और अच्छा करेंगे। क्या बनना चाहता है, उसकी मेमोरी जिस हिसाब से भी इतनी साफ है, तो आगे पढ़ा लिखा के उसको क्या बनना चाहिए? देखिए अभी वो टाइम नहीं है कि माँ बाप डिसाइड करेंगे कि बच्चा क्या बनेगा, वो तो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहता है। अगर उसका इच्छा है आज साइंटिस्ट बनने का, तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उसका साथ दें, और आगे जाके कुछ और बनना चाहे तो हम उसके साथ भी हैं,
कि जो जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। मैम ये बताइए, कैसे आपको लगा कि इसका जो जीनियस है इतना, इसका नाम हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के लिए दे सकते हैं? मैंने जैसे बताया ना आपको कि सारे बच्चे जीनियस होते हैं, सारे बच्चे के दिमाग बहुत अच्छा होता है, और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे में कुछ स्पेशल हो, वो भीड़ से हटके हो, और इसीलिए मैंने उसको थोड़ा गाइड किया। और खाने पीने में इसको क्या देती हैं? खाना जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही खाता है, कुछ इसका स्पेशल डिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा बादाम खाने से ज़्यादा होशियार हो जाता है, वैसा कुछ नहीं। रिंका जी, सबसे पहले आप तुम जानना चाहते हैं, आप जॉब कर रही थी ICICI बैंक में, आपने बच्चे को संभालने के लिए, बच्चे की परवरिश करने के लिए जॉब को दरकिनार किया, और आज बच्चा आपका जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, कैसा महसूस है? आज ऐसा लग रहा है सर कि मैंने जॉब छोड़ के बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरे लिए करियर से ज़्यादा मेरा बच्चा है, इनफैक्ट सबके लिए रहता है, अपने बच्चे सबसे ज़्यादा प्रिय रहते हैं, मेरे लिए भी है, और मैं चाहती थी कि वो सबसे अलग हो और सब भीड़ में भी सबसे अलग हो। और मैंने अपना करियर छोड़ा, मैंने HDFC में भी काम किया है मैंने, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एक मिसाल बनूं, कि जो हाउसवाइफ भी हूं मैं, और करियर भी मेरा था, और मैं बच्चे को भी ध्यान दूँ। क्या बनाना चाहते हैं? साइंटिस्ट बनना चाहता है आप क्या चाहती हैं? देखिए, जैसा वो बनना चाहता है उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, वो जैसा वो चाहेगा वो वैसा ही होगा। आपने उसको जो सिखाया वो करता जा रहा है, अपने फ्लैग, प्राइम मिनिस्टर के नाम, कंट्रीज, लोकेशंस, देखिए इजी नहीं होता है सर ये चीज़ एकदम, क्योंकि एक बच्चे को कब मन होता है पढ़ने का, हमको वो चीज़ भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे के संग बच्चा बनना पड़ता है, बहुत पेशेंस के संग उसके संग, क्योंकि आप मार के या उसको डांट के आप उसको नहीं पढ़ा सकोगे, आप उसको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, गिफ्ट की जगह गिफ्ट देना पड़ता है, अवार्ड देना पड़ता है, रिवॉर्ड देना पड़ता है, और उस कहीं कहीं उसको तारीफ भी करनी पड़ती है, जो चीज़ बहुत अच्छा किया है उसने। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको बहुत इसको प्रिपेयर कराने से पहले पहले मुझे प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि कंट्री कैपिटल के जो नाम है वो इतने टफ और डिफ़िकल्ट होते हैं कि हम लोग जैसे इंडियंस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो जल्दी से निकल पाना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है। मैं रात में बैठ के पहले उसको बोलना सीखती थी, कांच के आगे बोलती थी, फिर उसको सुबह उठ के सिखाती थी। भारत रत्न जितने अब तक लोगों को मिला है उनके नाम, उनका कब मिला है, डेट, ये सब इजी बता देता है, कैसे संभव होगा? एक मेन चीज क्या है, अगर वो इंडियन है तो ये सब चीज उसको आना चाहिए कि एक पुरस्कार, मैंने उसको इस मेरा सबसे बड़ा सोच ये था उसको पुरस्कार सिखाने का, कि जब वो ये नाम सुने पढ़े उसको याद रहे, तो इसका भी कभी मन हो कि मुझे भी ऐसा भारत रत्न मिलना चाहिए, इसका भी कभी इच्छा हो कि मैं भी ये चाहता हूँ मम्मा, और ये बोलता है ये चीज़ कि मम्मा मेरे को भी एक बार मेरा नाम कब आएगा इसमें। आप ये सब इतनी तैयारियाँ जो है कैसे कर लेते हैं? देखिए, आपको जैसे मालूम है हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो बहुत चीज़ होता है कि मैं ज़्यादा टाइम उसको नहीं देती हूँ, सिर्फ पूरे दिन में 5 मिनट सुबह, 5 से 10 मिनट मेरा एक रूटीन है कि मैं उसको रोज़ पढ़ाती हूँ, चाहे वो रात को 11 बजे, चाहे सुबह का बजे 5 बजे, मैं उसको, मेरा ये एक रूटीन, मैं उसको रोज़ पढ़ाती हूँ।